बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने किचन से आपके लिए चिकन फाहिता की बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक फौरन पहुँच सके। तो आइए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। हाफ के जी मैंने चिकन बोनलेस ली थी और उसको इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 2-3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दें और 2 टेबल स्पून ही हरा धनिया चॉप करके चिकन में शामिल कर दें। अब चिकन को इन मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब चिकन और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हमने इसे किसी प्लेट या क्लिंग रैप की मदद से कवर करके इसको फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। 1 शिमला मिर्च को लंबाई में काट लें, 1 प्याज को भी आपने स्लाइस कर लेना है और 1 टमाटर को आपने बीज निकाल कर लंबाई में काट लेना है। हमें चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो आइए हम कुकिंग की तैयारी करते हैं। पैन में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लें और तमाम मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल कर दें और इसको चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करती रहें। आप इसमें ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और चाहें तो ऑयल थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें, अभी चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं, चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। हमने पानी खुश करना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं चिकन को पकने में। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, मैंने चिकन चेक की तो देखें ये गल चुकी है। अब हमने इसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स शामिल करनी है और मैंने इस वक्त सबसे पहले प्याज शामिल की है। प्याज शामिल करके चिकन के साथ मिक्स करें। उसके बाद हमने कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च शामिल करनी है और टमाटर शामिल करने हैं। सब्जियां शामिल करने के बाद हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट इनको पकाना है, क्योंकि हम ज़्यादा पकाएंगे तो तमाम सब्जियां जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और उनकी क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगी। हमें सब्जियों को क्रंची रखना है और ये भी देखना है कि इनका कलर ख़राब ना हो। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, मैंने अच्छी तरह से सब्जियाँ और चिकन को मिक्स कर लिया था। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हमारा चिकन फाहिता तैयार है। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन फाहिता तैयार है। अब आप इसे डिश आउट कर लें और इन्जॉय करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सैंडविचेस और बगैर ओवन बगैर पिज़्ज़ा डो के पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त यमी सॉस के साथ। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।